गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है आप सबका डाउटनट की लाइव सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि आज हम लेक्चर 5 तक पहुंच गए हैं। सो आई ऑल्सो होप कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सब आपने अच्छे से देख लिया है एंड अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया है। ओके, सो चैप्टर हमारा चल रहा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इमेजिनरी विलेज लिया है। ओके, ये कोई रियल विलेज नहीं है, एक विलेज लिया है, उसका नाम है पालमपुर। एंड हम इस विलेज के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडिया में सारे विलेजेस फंक्शन करते हैं। ओके, कौन सी अलग अलग एक्टिविटी विलेजेस करते हैं, फार्मिंग उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फार्मिंग के अलावा भी और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हम इस चैप्टर में अच्छे से कवर कर रहे हैं। ओके, आज के क्लास में पर्टिकुलरली हम एनसीईआरटी डिस्कशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, सो हम क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करेंगे। सो आपका एक रिविजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे जो आपके क्लास में, स्कूल में, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम VIP कोर्स स्टार्ट हो चुका है 10th मार्च 2021 से। है क्या क्लास 10th VIP कोर्स? बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर लाने के लिए हम टीचर्स आप बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। 10th मार्च 2021 से 10th मार्च 2022 तक ये कोर्स चलेगा। ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए? साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और आपका सोशल साइंस। इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको? 3 क्लासेस अ डे, एक दिन में आपकी 3 क्लासेस लगेंगी एंड पूरे वीक में 6 डेज आपकी क्लासेस लगेंगी। साथ ही साथ होमवर्क, नोट्स, स्लाइड्स एंड टेस्ट, ये सब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीकली मोटिवेशन, सो आप में से काफ़ी बच्चे पूरा वीक एकदम फुल जोश के साथ पढ़ते हो एंड जैसे ही वीकेंड आता है सारा जोश आपका गायब हो जाता है ना। सो हम टीचर्स ऐसा होने नहीं देंगे, हम आपको अच्छे से मोटिवेट करेंगे और अच्छे से गाइड करेंगे सो दैट आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। रेफरेंस बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन से रेफरेंस बुक में से कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आ चुके हैं या फिर जो जिनके चांसेस हैं रिपीट होने के, एंड ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। ये कोर्स बेस्ट क्यों है? क्योंकि टॉप टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स, जिनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने पहले भी बोर्ड के स्टूडेंट्स की हेल्प करी है बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने में, अब वो टीचर्स आपकी हेल्प करेंगी। डाउट क्लियरिंग, आपके सारे डाउट्स लाइव कमेंट सेक्शन में क्लियर होते जाएंगे। ओके, सो अब एक नहीं बल्कि 2 टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे, एक क्लास लेंगे एंड सेकेंड टीचर कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स लाइव क्लियर करते रहेंगे। मोर देन 480 क्लासेस लगेंगी आपकी विथ टीचर स्लाइड्स और डेली होमवर्क दिया जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑफकोर्स वीकली टेस्ट होगा आपका। गाइडेंस के लिए मोटिवेशन वाला पॉइंट तो बता ही दिया मैंने आपको, साथ ही साथ एग्ज़ाम न्यूज़, कई बार न्यूज़ में एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मान लो आपका रिविजन सिलेबस रिवाइज हो रहा है या फिर सिलेबस चेंज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कौन से सब्जेक्ट को क्या कैसे पढ़ना है ताकि आप एकदम अच्छे से स्कोर कर पाओ। सो ये आपके टीचर्स हैं, आप जानते ही हो इन सबको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंस टीचर्स। सोशल साइंस की अगर बात करें तो मैं अनुष्या, साथ ही साथ उज्ज्वला मैम और रीमा मैम, हम तीनों आप बच्चों की हेल्प करेंगे सोशल साइंस में। कोर्स फी क्या है? ₹6,000। इस अमाउंट में 1 ईयर फुल कोर्स हो जाएगा आपका। कंप्लीट सिलेबस और सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंस। ओके, सो अगर आप और जानना चाहते हो इस कोर्स के बारे में देन प्लीज़ कॉल अस एट 0124715825। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, 0124715825, या फिर आप एक कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, सो अभी आपके स्क्रीन के सामने एक पोल आएगा, जल्दी से बता दो क्या आप क्लास 10th बोर्ड VIP कोर्स को ज्वाइन करना चाहोगे।
चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेन टारगेट हमारा रहेगा कि एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, साथ ही साथ हमें वो क्वेश्चंस भी देखने हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू से दैट द यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इज बेनिफिशियल फॉर इंडियन फार्मर्स? ओके, सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि कैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स से बेनिफिट हुआ है इंडियन फार्मर्स को। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मतलब, हमने फार्मिंग में डिस्कस करा था कि दो टाइप के तरीके हैं जिसके थ्रू हम फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो हम बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, हम नॉर्मल सीड्स यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स कहते हैं उन्हें, बट उससे प्रोडक्शन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या होता है, हम तरह तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि HYV सीड्स। ओके, HYV का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो इन सीड्स को यूज़ करने से क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, सो हमने बार बार इस चैप्टर में ये डिस्कस करा है कि फार्मिंग के साथ एक मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है कि लैंड हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, ज़मीन हमारे पास लिमिटेड है। सो अगर हमारे पास लिमिटेड लैंड है तो हमें थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा कि हम इसमें से कितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, है ना। सो फार्मिंग में हमारा एम क्या होता है कि हमें ऐसे तरीके ढूंढते रहने हैं जिससे हम इसी सेम लैंड से मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोडक्शन जनरेट कर पाए। ठीक है, सो HYV सीड्स एक तरीका है जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आता है। ठीक है, इसके थ्रू प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे HYV सीड्स को ज़्यादा पानी देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है। ओके, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा केमिकल्स के यूज़ करने पड़ते हैं हमें, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। कुछ पहले 2-3 साल तो हमें लगेगा कि बहुत ही बढ़िया, HYV सीड्स लगा के प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हो गया, बट जब हम इसे लॉन्ग टर्म तक करते रहेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि इससे क्या हो रहा है, जब हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्राउंड वाटर में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। इसके अलावा जब हम केमिकल्स ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने के वजह से क्या हो गया, जो सॉइल है उसकी पूरी क्वालिटी कम हो गई, रिड्यूस हो गई। ओके, सो ये कुछ इश्यूज़ हैं HYV सीड्स के साथ। बट इसके अलावा जब हम मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें टूल्स भी आ जाते हैं, नए टूल्स, न्यू ट्रैक्टर्स, न्यू इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मेजर बेनिफिट ये होता है कि हम सेम पीस ऑफ लैंड में, ठीक है, उसी पीस ऑफ लैंड में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं जो हम ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड के थ्रू नहीं कर सकते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट आर दी एसेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन? तो जब हमें प्रोडक्शन करना होता है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना होता है, तो कौन सी ऐसी चार चीज़ें हैं जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता? ओके, सो फर्स्ट है लैंड। ठीक है, अगर आपको मान लो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले आपके पास ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे आप कुछ सेटअप करोगे या कुछ स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले लैंड होना चाहिए। ओके, सेकेंड लेबर। ठीक है, बस ज़मीन होना काफ़ी नहीं है, आपको कुछ लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, जो उस ज़मीन में जाएं या फिर उस बिल्डिंग में जाएं और काम करें। तो लैंड चाहिए, साथ ही साथ हमें लोग भी चाहिए जो काम करने के लिए रेडी हों, तो इसे हम कहते हैं लेबर। ठीक है, लैंड चाहिए और लेबर चाहिए। थर्ड क्या है, फिजिकल कैपिटल। ओके, फिजिकल कैपिटल में अब दो टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, एक हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है, मान लो आपको कपड़ों का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, क्लोथ्स का, तो रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन। ठीक है, कॉटन, वूल, जो भी ये सारे फाइबर्स हैं जिसके थ्रू हम कपड़े को बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल कैपिटल में आ जाती हैं। ठीक है, लैंड और लोग होना तो ठीक है, बट साथ ही साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स भी तो होती हैं, कोई रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए ताकि आप प्रोडक्शन कर पाओ। तो ये जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि कॉटन, वूल, ये सब फिजिकल कैपिटल के अंडर में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल कैपिटल में एक और चीज़ आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मनी। ओके, सो अगर हमें प्रोडक्शन करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास कुछ हद तक पैसे होने चाहिए ताकि हम इन्वेस्ट कर पाएं उसे। ओके, सो
जो मनी है वो भी फिजिकल कैपिटल के अंडर आता है, रॉ मटेरियल भी फिजिकल कैपिटल के कैटेगरी में आता है, ठीक है। फोर्थ, हमारे पास क्या होना चाहिए अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो नॉलेज, ठीक है। मान लो आपके पास ज़मीन है, लोग भी हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारा पैसा भी है और रॉ मटेरियल्स भी हैं, ठीक है, बट आपको पता ही नहीं अब मैं इन तीनों चीज़ों का क्या करूँ, ओके, इन्हें मैं यूज़ कैसे करूँ, कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ। तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है आगे क्या करना है, तो इन तीनों चीज़ों के होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। सो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी नॉलेज को हम कई बार इकोनॉमिक्स में ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं, ओके। सो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और नॉलेज, ये चार चीज़ें हैं जिसके बिना हम प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस करना है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? सो जैसे अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा, फार्मिंग में एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि लैंड लिमिटेड है और हमें नए नए तरीके ढूंढने हैं कि हम इसी सेम लैंड से कैसे अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर पाएँ, ओके। सो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, हमने दो चीज़ों में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। सो वीट एंड राइस के साथ हुआ था ये। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में हम वीट और राइस का प्रोडक्शन हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर, ओके। सो हम HYV सीड्स को यूज़ करते थे। अगेन HYV का फुल फॉर्म याद रखना है, हाई ईल्डिंग वेराइटी सीड्स, ओके। हाई ईल्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ करना स्टार्ट करा, साथ ही साथ हमने क्या करा, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करते थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनिक रखने की कोशिश करते थे, ठीक है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना स्टार्ट करा, साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना स्टार्ट करा। क्या होता है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स? कई बार फार्मिंग में जो हम क्रॉप लगाते हैं उसके आसपास ऐसे कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो उस क्रॉप को हार्म करते हैं, ठीक है, जैसे कई बार लीव्स को काट लेते हैं या फिर उनके थ्रू कोई डिजीज़ हो जाता है। तो ताकि ये सब ना हो, उन इंसेक्ट्स को हटाने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिसे हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हमने ये सब यूज़ करना स्टार्ट करा, साथ ही साथ हमने मैकेनाइजेशन ज़्यादा कर दिया, ठीक है, हम टूल्स ज़्यादा यूज़ करने लग गए, इक्विपमेंट्स हम और मॉडर्न करने लग गए। तो ये मेन फीचर्स हैं जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में करना स्टार्ट करा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन करने के वजह से क्या कोई नुकसान देखने को मिला हमें? काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस देखने को मिले हमें, ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर HYV सीड्स का यूज़ करना पहले तो बहुत टेम्पटिंग लगता है कि हाँ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, दो तीन साल हम करते भी हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, बट जब हम इसी सेम चीज़ को लॉन्ग टर्म में करते जाते हैं बार बार, तो क्या होता है, जो सॉइल है जिसमें हम ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस सॉइल की क्वालिटी रिड्यूस होने लग जाती है, ओके। सो जो फर्टिलिटी है, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब कम हो जाते हैं एंड हम क्रॉप को अच्छे से ग्रो नहीं करवा पाते, तो एक डिसएडवांटेज तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो केमिकल के वजह से एक पॉइंट तो हमने कवर कर लिया कि सॉइल का जो भी क्वालिटी है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, ये जो केमिकल्स हैं जब हम इन्हें स्प्रे करते हैं तो पहले तो ये प्लांट के साथ ही सॉइल के साथ रहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये केमिकल्स इधर उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। कई बार ये वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, आसपास अगर कोई रिवर है, लेक है, वहाँ चले जाते हैं, कई बार ये ग्राउंड वाटर तक भी पहुँच जाते हैं ये केमिकल्स, ओके। सो इसके वजह से क्या होता है, अगेन पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो वैसे पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ था, ठीक है, एंड इन जनरल फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती है पंजाब में, एंड इस वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज पंजाब में सबसे ज़्यादा है, एंड ड्यू टू सेम रीज़न वहाँ पे केमिकल्स के थ्रू पोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा होता है। सो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर इन डिटेल. ठीक है, सो जब हमने पालमपुर के स्टोरी को स्टार्ट करा था तो हमने क्या समझा था कि यहाँ पे मेनली जो भी लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं. ठीक है, उनका सारा इंटरेस्ट फार्मिंग के ऊपर ही है एंड उनका मेन इनकम भी फार्मिंग के थ्रू ही आता है. ठीक है, एंड ये बस पालमपुर की बात नहीं है, पालमपुर के थ्रू हम पूरे इंडिया के विलेजेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो इन जनरल इंडियन विलेजेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिनका फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ओके, मतलब बहुत ही छोटे लेवल में किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज़ को बनाना. तो पालमपुर में लेस देन 50 पीपल ये काम कर रहे हैं. ठीक है, 50 से भी कम लोग पालमपुर में ये काम कर रहे हैं. ओके, जनरली जब हम सुनते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, मशीन्स होंगे एंड लोग काम कर रहे होंगे. बट पालमपुर में ऐसा नहीं है. ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. ठीक है, कैसे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग अपने घर के अंदर ही करते हैं. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग किसी को काम पर भी नहीं लगाते. जैसे अगर कोई एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है घर में ही, तो जो घर के लोग हैं वो आपस में ही काम को बांट लेते हैं एंड वही लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ठीक है, रेयरली आर लेबर्स हायर्ड. अब अगर मैन्युफैक्चरिंग इतने छोटे लेवल में हो रहा है तो क्या होगा, जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें भी ज़्यादा कुछ प्रॉफिट इन लोगों को मिलेगा नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल. ओके, सो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चार चीज़ें डिस्कस करी थी जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता. ओके, तो उसी में से एक था फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल के बिना भी हम लोग प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते. ठीक है, प्रोडक्शन में बिजनेस भी आ जाता है, तो कोई भी बिजनेस हम अच्छे से नहीं कर सकते अगर हमारे पास फिजिकल कैपिटल नहीं होगा. तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फिजिकल कैपिटल होता क्या है, ठीक है, एंड उसके टाइप्स बताओ. सो फिजिकल कैपिटल के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, ए तो है टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग. ठीक है, सो कई बार हमें जब हमें प्रोडक्शन करना होता है तो हमें तरह तरह की टूल्स की ज़रूरत होती है, मशीन्स की ज़रूरत होती है. ओके, ये सब फिजिकल कैपिटल के अंडर में आते हैं. ठीक है, जब हम टूल्स कहते हैं तो कई बार तो बहुत ही हाई फाई टूल्स होते हैं. ठीक है, जो प्रॉपर बड़ी बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं, या फिर कंप्यूटर्स, ये सब भी टूल्स के अंडर में आ जाते हैं. एंड इसके अलावा फार्मिंग में भी हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं. जैसे मान लो किसी टूल को यूज़ करके हम सॉइल को मिक्स कर रहे हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा. तो ऐसे जो भी टूल्स हैं, फ़र्क नहीं पड़ता उनका क्या लेवल है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हैं या बहुत नॉर्मल हैं, बेसिक हैं, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल कैपिटल. ओके, सेकेंड कैटेगरी है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. ओके, सो ये हमने डिस्कस भी करा था. फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉटन एंड वूल के साथ समझा था. एक और एग्जाम्पल जो आप यूज़ कर सकते हो वो है क्ले. ठीक है, सो जब हम पॉटरी करते हैं, जब हम तरह तरह के स्कल्पचर्स बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्ले का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्ले एक टाइप ऑफ सॉइल होता है जिसके थ्रू हम पॉटरी करते हैं, एंड क्ले एक रॉ मटीरियल होता है. सो ये जो रॉ मटीरियल है ये भी फिजिकल कैपिटल के कैटेगरी में आ जाता है. ठीक है, इसके अलावा जो हमें मनी की ज़रूरत होती है, जो हम पैसे लगाते हैं प्रोडक्शन में या फिर किसी बिजनेस में, वो भी फिजिकल कैपिटल के कैटेगरी में आता है. ठीक है, सो रॉ मटेरियल्स साथ ही साथ पैसे एंड जो भी टूल्स मशीन्स ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब फिजिकल कैपिटल के कैटेगरी में आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉपकीपिंग अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर. ओके, सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे हमने डिस्कस करा बहुत ही कम होता है पालमपुर में, एंड शॉपकीपिंग भी उसी कैटेगरी में आता है. शॉपकीपिंग और फार्म का कोई लेना देना नहीं है. सो शॉपकीपिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है. ठीक है, अगेन बहुत ही कम लोग हैं पालमपुर में जो ये चीज़ करते हैं. बट जो लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, सो जब हम इंट्रोडक्शन समझ रहे थे पालमपुर का, सो हमने डिस्कस करा था कि पालमपुर
काफ़ी हद तक एक डेवलप्ड विलेज है, ठीक है, सब लोगों के पास ठीक ठाक घर हैं, वहाँ पे वाटर पहुँच रहा है लोगों के पास, इलेक्ट्रिसिटी भी है। सो पालमपुर के आसपास भी थोड़े कुछ सिटीज़ हैं, कुछ और डेवलप्ड विलेजेस हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन सिटीज़ में जाते हैं, ठीक है, वहाँ से होलसेल में सामान खरीदते हैं, वापस पालमपुर में आते हैं एंड थोड़ा सा हायर रेट में उस चीज़ को सेल करते हैं, ठीक है। सो उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है इस इसके थ्रू। तो ऐसे ही इनका शॉपकीपिंग का काम चल रहा है। मोस्ट ऑफ द शॉपकीपिंग ये लोग कैसे करते हैं, एक जनरल सा स्टोर खोल देते हैं। जनरल स्टोर मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिल जाती है, जैसे वीट, शुगर, बिस्किट, सोप, पेन, पेंसिल, सब कुछ, मतलब इन जनरल जो आपको डेली लाइफ में चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पालमपुर में ही कुछ लोगों ने क्या करा, थोड़ा और दिमाग लगाया कि हम कैसे और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी प्रोडक्शन में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आप कौन से एरिया में वो प्रोडक्शन कर रहे हो या कौन से एरिया में वो बिजनेस कर रहे हो। सो कुछ लोगों ने पालमपुर में क्या करा, अपने शॉप को बस स्टैंड के पास लगा लिया, ठीक है। सो बस स्टैंड के पास लगा लिया तो क्या हुआ, वहाँ पर लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। सो हमेशा शॉप से वो लोग कुछ ना कुछ खाने पीने का ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं। सो ऐसे उन्हें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग के क्या फीचर्स हैं। सो हमने डिस्कस करा था कि फार्मिंग दो टाइप में होती है, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न, ओके। सो मॉडर्न को अभी हमने इन डिटेल समझ लिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जब हमने क्वेश्चन करा था तब। अब हम ट्रेडिशनल मेथड को थोड़ा फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, हम ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे सीड्स जो हम बहुत समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने कुछ रिसर्च करके साइंटिफिकली एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल सीड्स हैं, ओके। सो ट्रेडिशनल सीड्स को इन जनरल कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे HYV सीड्स को अगर ग्रो करना है तो बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, बट ट्रेडिशनल सीड्स को कम पानी की ज़रूरत होती है। बट जो ट्रेडिशनल फार्मर्स होते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता, तो इन जनरल इनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते। सो ये कोई बहुत ही हाई फाई इरीगेशन सिस्टम नहीं लगा पाते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। मानसून मतलब रेनी सीजन, तो मोस्टली ये लोग ऐसे सोचते हैं कि जब मानसून या रेनी सीजन स्टार्ट होगा तब फार्मिंग अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब मॉनसून के साथ दिक्कत क्या है, मॉनसून को हम एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो कहा जाता है, आपके बुक्स में भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि जून मंथ तक मॉनसून को आ जाना चाहिए, ठीक है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार मॉनसून जल्दी भी आ जाता है, कई बार मॉनसून लेट भी हो जाता है। तो जब भी मॉनसून आगे पीछे होता है तो फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा मॉनसून मान लो चलो जून एकदम करेक्ट टाइम पर आ गया, ओके, उसके बाद अब हमें ये देखना है कि बारिश कैसे होगी, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई तो फ्लड हो जाएगा, सारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर बहुत ही कम बारिश हुई तो ड्रॉट हो जाएगा, फार्म जो फार्मिंग में क्रॉप्स हैं उन्हें कुछ पानी मिलेगा नहीं। सो हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में, कि एक तो मानसून सही टाइम से आए, उसके अलावा जो क्वांटिटी है बारिश की वो भी सही रहे, ठीक है। सो ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम ये सब देखते हैं। इसके अलावा हम कोई फैंसी मॉडर्न टूल्स का यूज़ नहीं करते, वुडन टूल्स का यूज़ करा जाता है, वुडन इक्विपमेंट्स यूज़ करे जाते हैं फार्मिंग में जनरली, ओके। सो ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है। प्रोडक्शन इज़ डन फॉर फैमिली यूज़, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, सो ये लोग क्या करते हैं, जितना भी प्रोडक्शन हुआ फार्म से मोस्टली वो सारा फैमिली को ही दे देते हैं, ताकि फैमिली यूज़ कर पाए उस प्रोडक्शन को। सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से होता है, मैन्योर, काउ डंग का यूज़ करा जाता है, ओके। सो केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ नहीं करे जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट पालमपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड विलेज, ठीक है। आप कैसे कह सकते हो कि पालमपुर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड विलेज है, ओके। सो इन जनरल जब भी हम विलेज के बारे में, विलेज सुनते हैं, सो आपने कई बार मूवीज़ या कहीं और देख रखा होगा, सो इस वजह से हमारे दिमाग में एक माइंड सेट होता है कि विलेजेस डेवलप्ड नहीं है, यहाँ पर कुछ भी होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। पालमपुर ये जो हमने एक इमेजनरी विलेज लिया है, इसे हम डेवलप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे
काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ओके, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है काफ़ी सारे लोगों को, वाटर सप्लाई भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है बहुत सारी जगह, ठीक है, मोस्ट ऑफ़ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इसके अलावा यहाँ पे दो प्राइमरी स्कूल्स हैं और वन हाई स्कूल भी है, सो यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स भी हैं विलेज में। साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि पालमपुर के पास में ही एक टाउन है जहाँ पे कॉलेज भी है, सो ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अगर आप चाहो तो आप अच्छे से एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, सो कैपिटल, अगेन हमने कैपिटल कहाँ पढ़ा था जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती, सो कैपिटल उनमें से एक था। कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब है, कोई ऐसी चीज़ जो आप खरीदो तो वो ज़्यादा समय तक चले, ठीक है। सो मान लो प्रोडक्शन करना है और आपको उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत है, ठीक है, सो अगर आप कंप्यूटर खरीदोगे तो वो काफ़ी सालों तक चल जाना चाहिए, ठीक है। सो ये फिक्स्ड कैपिटल के अंडर आते हैं, ऐसी चीज़ें जो आप एक बार अगर पैसा लगा के उस चीज़ को खरीदोगे तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक, सालों तक उसे काम कर लेना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अगर आपने उसे एक बार खरीदा तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सालों तक तो वो बिल्कुल नहीं टिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन हमें कॉटन की ज़रूरत पड़ती है जब हम मान लो क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है, फैब्रिक का प्रोडक्शन हो रहा है, कॉटन का कोई कपड़ा बनाना है, तो हम एज रॉ मटेरियल कॉटन्स को लेके आएंगे, है ना। पर कॉटन को जब भी हम लेके आएंगे वो ऑन द स्पॉट यूज़ हो जाएगा कपड़ा बनाने में, सो हमें बार बार कॉटन को खरीदते रहना पड़ेगा। कंप्यूटर की तरह नहीं है कि एक बार खरीद लिया तो काफ़ी सालों तक चल जाएगा, ओके। सो ऐसे कैपिटल जो हमने एक बार खरीदा तो बहुत जल्दी फिनिश अप हो जाता है, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ओके। चलो, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम एक क्विज रखते हैं, आराम से सोच समझ के आंसर करना क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि फार्मिंग में जो स्कोप है वो लिमिटेड है। ऑप्शन ए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड। ऑप्शन बी, लैक ऑफ इरीगेशन। ऑप्शन सी, लैक ऑफ लेबर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से इंडियन स्टेट में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस। ऑप्शन बी कल्टीवेशन ऑफ टू क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज। ऑप्शन सी कल्टीवेटिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्विज को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फार्मिंग जो एक्टिविटी है उसका स्कोप हम क्यों कहते हैं कि लिमिटेड है, ठीक है। सो इसका रीज़न है ऑप्शन ए, क्योंकि फार्मिंग में हम सबके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड होता है और हमें तरीके ढूंढने हैं कि कैसे हम इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें, ओके। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ओके। सो हो सकता है इन जनरल ये क्वेश्चन आपको टफ लगे, बट अगर आप ऑप्शंस को देखो, ए बी सी ऑप्शंस को,
तो गुजरात एंड राजस्थान में वैसे फार्मिंग तो होता है बट पंजाब के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है. ओके, सो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, तो इस वजह से ये लोग केमिकल्स का भी यूज़ ज़्यादा करते हैं. सो केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा पंजाब स्टेट में यूज़ होता है. ओके, सो राइट आंसर है अगेन ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब है? देखो, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है. क्रॉपिंग मतलब फार्मिंग, क्रॉप्स लगाना. सो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड को यूज़ करते हैं एंड उसी सेम ईयर में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप को साथ में ग्रो करते हैं. ओके, सो ये आंसर आपका लिखा है ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी. ये आप लोगों का क्विज था. जिन भी बच्चों के राइट आंसर्स हैं तीनों के तीनों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. मतलब आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से रिवाइज कर रहे हो. इधर उधर गलती अगर हो भी रही है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है. यहाँ पर तो आपको गलतियाँ करना अलाउड है. देखो गलती क्यों हो रही है, कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करो बार बार एंड सीखने की कोशिश करो एंड सी की फ्यूचर क्विज में या फिर आपके स्कूल में एग्जाम में ये मिस्टेक रिपीट ना हो. ओके, सो आपका ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये फाइनली फिनिश हो चुका है. अगर आप में से किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो क्लियरली डाउट को मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, फ्यूचर क्लासेस में डेफिनेटली एड्रेस हो जाएगा वो डाउट. ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू, टेक केयर एंड एन्जॉय द रेस्ट ऑफ योर डे.